मालवा बैडलाइव देख रहे सारे दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अज दी वीडियो दी शुरुआत तो पहले एक खूबसूरत क्वाइट, ज़्यादा देर किसी के साय में रहोगे तो ऐसा ही होगा, अपने पाँव पर खड़े होने का प्रयास करें ताकि कोई आपका ये हाल ना कर पाए। ये देखो जी, कार जिहड़ी हैगी एक पेड़ थले खड़ी सी, बहुत ही ब्रांडेड कार है तो जिस दे विच काफ़ी टैलेंट है, बट की करिए पेड़ दे थले खड़ के बहुत गंदी होई पई है क्योंकि वह इन्दे नीचे खड़ के अपने आप नूं बचा रही सी। सो दोस्तों, जिवें तुसी अपने माँ प्यो दे अंडर रह के इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे तो माँ प्यो दे पैसों ते पल रहे हो, इस ना तुसी अपने टैलेंट नूं बाहर नहीं कढ पा रहे, तुसी इद्दू भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो तो अपनी जिंदगी बतीत कर सकते हो। सो मैं सारे दोस्तों यही कहना चाहना, आपदे आप नूं पढ़ा के पोलिश करो, पढ़ पढ़ के अपने आपको वधिया मतलब कि बनाओ, काबिल बनाओ ताकि तुम वड्डी तो वड्डी जॉब नू हासिल कर सको। माँ प्यो का नाम रोशन उच्चा करोगे तो नाल ही तुसी इन्निया मुकाम हासिल करोगे इन्ना वड्डा कि तुसी लोकी खड़ खड़ वेखणगे भी मुंडा उस मुकाम ते पहुँच गया जिथे असी सोचा नहीं सी। अज की वीडियो सारे मेरे सब इंस्पैक्टर ते कॉन्सटेबल वीरां लई खास है। सो दोस्तों, जिवें कि अज के हालात जिहड़े दो तीन दिनों तो खराब होए पए ने, इंटरनेट भी बंद किया है तो अमृतपाल भाई जी नू फड़ रहे ने, है ना जी, जिहड़े कि अपने सिख धर्म नू बिलोंग करदे ने। हाँ जी दोस्तों, जिवें कि आप देख रहे हैं अपने पिंडां दे विच होंके लगाए जा रहे हैं भी आ जाओ आप प्रोटेस्ट करिए जिहड़े भाई अमृतपाल जी दे लई सड़कां दे उत्ते उतरीए। सो दोस्तों, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है क्योंकि कल नूं तुसीं भी एक पंजाब पुलिस दे अधिकारी बनना है, कॉन्सटेबल जां सब इंस्पैक्टर, तुहानूं भी इदां दे ऑर्डर दित्ते जाणगे, तुहानूं बहुत कुछ कहा जाएगा सेंटर सरकार उपर, तुहानूं मन्नने पैणे आ। तुसीं आप देख रहे हो अपने सरदार भाई ने सारे कॉन्सटेबल ते सब इंस्पैक्टर जी, IPS PCS जिन्ने भी ऑफिसर्स ने, उहनां नूं इह कानून दे अंडर रह के सारियां कारवाइयां करनियां पै रहियां। सो इहनां नूं मद्देनज़र रखदे हो तुसी खुद वेखो, तुसी अपना भी वेस्टेज ऑफ टाइम करोगे जे अगर तुसी उस दे विच जाके बैठते हो क्योंकि तुहाडे माँ प्यो ने एक सुपनिया का महल सजाया होया है। ठीक है जी, तुहाडे माँ प्यो सोचते हैं भी असी मिडल क्लास फैमिली तो बिलोंग करते हैं, साडे बच्चे कल नूं सरकारी जॉब लगते हैं तो वह जाके अपने घर का नाम रोशन करनगे ते अपने मतलब बच्चों नूं जिहड़ा हैगा चंगी शिक्षा प्रोवाइड करनगे ते चंगा मतलब खाण पीन प्रोवाइड करनगे अगले आने वाली जनरेशन च। जे तुसी इन्हां निक्के मोटे प्रोटेस्टां दे विच बैठे रहोगे तो कदे तुसी अपनी जिंदगी संवार नहीं सकोगे। तो जे अगर तुसी पढ़े लिखे हो, जे अगर तुसी सोचते हो असी लाई लग गए किसी दीयां गल्लां विच आ के असी सड़कां ते उतर जावांगे कानून भंग करांगे, इहदा कोई फायदा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जो लिखा उह तुहानूं मनना पैणा है। जे अगर इस दायरे तो बाहर जाओगे तो तुहानूं अरैसट भी हो सकते हो, तुहाडे उत्ते होर कारवाइयां भी हो सकदियां जिस नाल तुहाडा फ्यूचर सारा स्पोइल हो जाएगा। सो दोस्तों, मैं तो हाथ बजोड़ के ही बेनती करना, तुहाडे कोल 4 साल हैगे है, तुसी आपदे समा इदा बर्बाद ना करो, आपदे जिहड़े नाल दे यार बेली उन्हां नूं भी समझाओ भी कानून जो कर रहा ठीक ही कर रहा होगा, उस दे विच ही भलाई है। ठीक है जी, सो एवें बेफालतू सड़कां दे उत्ते उतरना, नारे लगाना या फिर अपने जिहड़े हैगे लॉ एंड ऑर्डर नूं खराब करना या फिर अपने देश की जिहड़ी हालात नूं खराब करना, खासकर आप आपदे पंजाब नूं आप ही खराब कर रहे हैं ये चीज़ा करके। सो अपने पंजाब दे विच आपां ही ड्यूटी करनी है। कल नूं मान लो तुसी जे अज तुसी इहो जी गल्लां करदे हो, तुहाडे उत्ते परचे हुंदे आ, तुसी जेलां विच बैठे रह जाओगे, तुहाडे माँ प्यो रोंदे रह जाणगे वी साडे बच्चे पढ़दे पढ़दे कित्थे पहुँच गए। सो दोस्तों, मैं तां तुहानूं इही कहिंदा वी तुसी आपदी पढ़ाई विच ध्यान दिओ, कोई खास खबरां नूं ध्यान ना दिओ क्योंकि बहुत लोग गुमराह कर रहे ने। ठीक है जी, वी इदां जो उह कर लो आह कर लो उहदा कोई फायदा नहीं, तुसी समां वेस्ट कर रहे हो, तुहाडे कोल बहुत कीमती समां इह जिहड़ा समां हैगा। ठीक है जी, 2.5 महीने रह गए, 2.5 दे वी हुण तुहाडे कोल 2 महीने ते 10 दिन रह गए आ, इस दे विच विच तुसी सिलेबस कवर करना है, जून दे विच पता नहीं कदों तुहाडे पेपर कंडक्ट कराए जाण, बाकी हजे पोस्टपोन कोई नहीं होवेगा क्योंकि यह 3-4 दिनों की गल है जिहड़ा कि अपना हुण चल रहा है, जिस करके पंजाब दे हालात विगड़े आ, वह सब ठीक हो जाएगा, वह रैसट करके उन्होंने सारी कार्रवाई कर देनी है। कार्रवाई कहने का भाव उन्होंने लिए चंगा ही होगा, की पता उस दे विच ही भलाई होवे क्योंकि अगे आप सिद्धू मूसेवाले बाई नूं खो बैठे हैं, असी नहीं चाहते भी अमृतपाल भाई नूं भी असी खो बैठीए क्योंकि वह भी अपने मतलब चंगे काम ला रहे हैं, बच्चों नूं नशियां तो छुड़ा रहे हैं तो एक चंगी मतलब गुरु की बाणी के हेठां उन्हां नूं मतलब कि कर रहे हैं, है ना जी। सो इस करके मैं कह रहा भी दोस्तों, तुसी अपना पढ़ाई विच ध्यान रखो, तुसी भी एक चंगे नागरिक बनो, जे तुहानूं कल नौकरी ना मिली तुसी भी मैनूं लगता है गाह नशियां च पै जाओगे क्योंकि टेंशन बहुत है अजकल दी दुनिया दे विच, पैसे दे बिना गड्डी चलदी नहीं। ठीक है जी, घर बार सब देखना पैंदा है, माँ प्यो जिहड़े है अपने आसा लाई बैठे आ भी बच्चा साडा कामयाब होवे, सानू भी खुशी होवे, असी बच्चे दा जल्दी तो जल्दी विआह करिए ते असी घर सवारीए बच्चे दा भी, है ना जी। सो तुसी इन्हां सब चीज़ां नूं छड्डो ते ठीक है अपना पढ़ाई विच दिन रात मतलब मन लगाओ, जिहड़े कि अपने जिहड़े मैथ दे आ रीजनिंग दे उहदे विच टेंशन लो इहो जिहियां चीज़ां दी। ठीक है जी, जिहड़ा तुहाडा गुस्सा है उस दे उत्ते निकालो, ना कि तुसी बाहर जाके मतलब कि सरकारी चीज़ां नूं भन्नो या फिर प्रोटेस्ट करो, ये चीज़ां नाल तुहाडा जिहड़ा
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਆਪਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।